ये एक और किस्सा है, ये यहाँ का नहीं है, ग्वालियर का नहीं है, ये भीमताल का है। भीमताल एक छोटी सी जगह है उत्तराखंड में, और मैं जब 7th क्लास में था, ये उस टाइम का किस्सा है, तब मैं वहीं रहा करता था, वहीं एक लोकल स्कूल था घर के पास ही, उसमें पढ़ता था। सो किस्सा ये है, ये भी कुत्ते के बारे में ही है, और ये भी उसी तरह की लर्निंग है इसमें जैसा कि पिछले स्टोरी में थी। एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एक्चुअल स्टोरी। हालांकि उस कुत्ते को यहाँ पे कोई नहीं जानता, और वो कुत्ता प्रॉब्ली प्रॉब्ली के ऑब्वियसली मरी चुका है अभी तक, क्योंकि दैट वाज लाइक 20 ईयर्स अगो। ठीक है, तो बात यह है कि जब मैं स्कूल में था, वापस आते थे हम लोग स्कूल से, तो एक छोटा सा डैम पड़ता था वहाँ पे, भीमताल में एक डैम है विच होल्ड द वाटर ऑफ द लेक टुगेदर। काफ़ी स्ट्रीम से वो पानी आता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है। दैट इज़ अ ओल्ड, वेरी ओल्ड डैम, ब्रिटिश टाइम का डैम है। तो वहाँ पर ऊपर एक वॉल बनी हुई है, उस पर एक काले कलर का कुत्ता बैठा रहता था, और उसके चेहरे पर एक काफ़ी बड़ा स्कार था। तो ये जो स्कार था, इसको हम देखते थे, कुत्ते को देखते थे कि हाँ ये बैठा हुआ है, और कभी किसी से कुछ बोलता नहीं था। दैट वाज अ वेरी क्वाइट डॉग। लोगों को देखता था कि आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता था उसका। बट दैट स्कार वाज लाइक आउटस्टैंडिंग, मतलब वो चीज़ दूर से ही दिख जाती थी कि हाँ एक बड़ा सा निशान है चेहरे पर। और एज किड्स, मतलब हम तब 12-13 साल के थे, तो एज किड्स दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग कि यार ये कहाँ से आया, क्यों आया। तो हमको ऐसा पता चला कि ये कुत्ता कुछ टाइम पहले, पता नहीं कितना टाइम हुआ, उससे 1-2 साल पहले एक बार रात को वहीं था, और वहाँ पर बेसिकली कॉर्बेट काफ़ी पास में है, तो लेपर्ड्स आ जाते हैं उस एरिया में, और लेपर्ड्स काफ़ी बार कुत्तों को शिकार कर लेते हैं, कुत्ता का उठा के ले जाते हैं। तो बेसिकली ये कुत्ते के सामने लेपर्ड आ गया था एक रात को, प्रोबेबली टू हंट हिम डाउन एज अ प्रे, उसको वो देख रहा था। तो लेपर्ड ने इस पर अटैक किया, तो उस अटैक का जब इसने फाइट बैक किया कुत्ते ने, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड वाज कि उसके मुंह पे उसका पंजा लगा होगा, तो ही गॉट एन इंजरी जो कि लेटर स्कार में कन्वर्ट हो गया। तो कुत्ते की लेपर्ड से लड़ाई हुई होगी, अब ये तो लोग ही बताते हैं कैसी लड़ाई हुई, किसी ने देखी तो है नहीं कि कैसी लड़ाई हुई, बट ये फैक्ट है कि कुत्ते की लेपर्ड से लड़ाई हुई थी, क्योंकि शोर हुआ था, और शोर की वजह से जो आसपास लोग रहते थे वो बाहर आए थे, और बाहर आने के बाद उन्होंने जब लाइट्स वगैरह जली, लोगों की आवाज़ आई, तो लेपर्ड डर गया, कुत्ता तो वहीं का लोकल था, सो ही स्टेड बैक, लेपर्ड डर गया और लेपर्ड भाग गया। तो लेपर्ड भाग गया, कुत्ता बच गया, वेल एंड गुड, सब बढ़िया है। और वो कुत्ता उसके 1-2 साल बाद जब हमने उसको देखा, जब हमने उसको देखना चालू किया कि हाँ ये कुत्ता है, तब तक था। और ये स्टोरी इतनी ही है, ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है, बट इसकी लर्निंग जो है, जो जिसकी वजह से ये स्टोरी सबसे ज़्यादा मुझे वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल स्टोरीज़ है, वो ये है कि लेपर्ड के साथ कुत्ते का जो एनकाउंटर है, दैट वुड हैव हार्डली बीन 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा टॉप्स आप उसको 1 मिनट मान लो, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, जब तक वो लेपर्ड भाग नहीं गया। लेकिन उस कुत्ता जो था, उसकी एक पहचान थी, जो कि मुझे याद है, आज 20 साल हो गए इस बात को, वो कुत्ता कब का जा चुका वो मुझे याद है। मैं आज ये कहानी आपको सुना रहा हूँ, बाकी लोगों ने भी जो वहाँ रहते होंगे उनको भी शायद जीवन भर वो कुत्ता याद रहेगा। सो 1 मिनट ऑफ हिज लाइफ, जो कि छोटी सी लाइफ थी, ये कुत्ता पैदा होता है अपने 10-11 जो वट एवर लाइफ स्पैन होता है वो पूरा लिव आउट करता है, मर जाता है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसकी लाइफ का। ऐसे लाखों कुत्ते आए, लाखों कुत्ते चले गए, बट 1 मिनट ऑफ हिज लाइफ डिफाइंड हिम। और वो कुत्ता मुझे उसी लिए याद रहेगा कि भाई ये वो कुत्ता था जो लेपर्ड को फेस किया था और जिसने सर्वाइव किया। और ऐसी ही स्टोरीज सबके साथ हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, आपके साथ हो सकती है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप तैयार रहो ऐसी चीज़ों के लिए, और ऐसे जो मोमेंट्स हैं तब आए, उनमें अपन को स्ट्रांग रहना है और उनको फेस करना है इस तरीके से कि वी सर्वाइव थ्रू देम। उस कुत्ते ने उस लेपर्ड को फेस किया, ई सर्वाइव दैट, और एक तरीके से मैं मानता हूँ कि वो इमॉर्टल हो गया इस तरीके से, उसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई, वो मुझे याद रहेगी, और जो भी इस कहानी को सुनेंगे और जिसने भी उस कुत्ते को देखा उनको हमेशा याद रहेगी। कट।